हम लोग तो अपनी जमीनों में गुज़िश्ता दिनों एक फैसला आया था उसके पसे मंजर फलाजा फरमाए ये सब आज क्या है कि जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं जहां पानी की उम्मीदें फरिश्ते छोड़ देते हैं खुदा वाले उसी सहरा में बच्चे छोड़ देते हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम, जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। एक नगर में सज रही थी महफिले शेरो सुखन, शेर थे कुछ पढ़ रहे कुछ गा रहे थे एलिफेंट इसमें शिरकत कर रही थी ऐसी भी कुछ शायरात जिनके बूते कट रही थी सामाइन की काली रात। और पास था बज़्मे सुखन के एक कब्रिस्तान भी, हो रहे महजूस थे लेटे वहां बेजान भी। फिर हाथ उठाकर इस तरह पढ़ रहे थे शायर जनाब, शेर से पहुंचा रहे हो जैसे मुर्दों को सवाब। मुलाहजा कीजिए चार विषय। और अभी मैं जब हाजिर हुआ तो हुआ ये कि साहब अभी बठिंडा में मुशायरा था तो सरदार चरण सिंह मुशायरा पढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि पठान और पठान के साथ सरदार की कौम जो होती है बहुत बहादुर होती है। तो जब वो बता रहे थे, मैंने उनसे जब वो बैठे उनसे कहा, मैंने कहा दोनों बहादुरों कौमों को मैंने दरवाजा खोलते हुए देखा है, बस गेट पर ही देखा है। तो मुलाहजा कीजिए चार मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ कि हर नया आशिक नहीं लेकर कहानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया, और उसके गालों को जो मिसले रसगुल्ला कहा, अहले शुगर के भी झंझट मुंह में पानी आ गया। एक साहब से पूछा मैंने कहा, हजरत एक साहब बोले कि साहब ये बताइए कि बुढ़ापे में जवानी में क्या फर्क है? मैंने बताया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले कि बुढ़ापे में? मैंने कहा हकीमों के। एक बोले मुझसे, एक मैंने उनसे बताया चरण सिंह से कि सरदार जी, मैंने बताया उनसे कि साहब एक सरदार ने पठान की बेटी का हाथ पठान से ही मांग लिया, माशाल्लाह 7 फुट के पठान थे, उनकी बेटी का जब हाथ मांगा तो उनको गुस्सा इस कदर आया सरदार के ऊपर कि मुझसे इतनी हिम्मत के इसने मेरी, उन्होंने फौरन उसे वहीं गिरा लिया। 1.5 घंटे तक उसकी पिटाई की, धूलम धूल हुलिया बिगाड़ दिया उसका। 1.5 घंटे मारने के बाद पठान साहब थक गए, थक के एक तरफ खड़े हो गए। जैसे वो खड़े हुए तो सरदार ने अपने आप को बड़ा मुश्किल से समेटा और समेट के बिल्कुल पठान के सामने खड़े होके जाके बोले, कहने इसका मतलब मना समझूं? अभी ट्रेन के अंदर भी दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, एक इतनी ऐसी बात कर रहे थे कि एक दूसरे से बोला कि देखा तूने कभी ये नोट नहीं किया कि जब भी फाटक बंद होता है जब ही ट्रेन आती है। उनमें से एक दूसरे से मैंने पूछा कि मैंने कहा देखना भाई साहब कौन सा स्टेशन आ गया है, तो उसने बाहर मुंह निकाल के कहने लगा रेलवे स्टेशन आ गया। अच्छा दोनों गुफ्तगू में ये भी बात उनकी सुनी के साथ वो क्रिकेट के ऊपर तबसरा कर रहे थे कि अगर क्रिकेट आईपीएल में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होता तो कभी का बंद हो जाता, कभी का फिक्स हो जाता ये मैच, ये टूर्नामेंट ही बंद हो जाता। बोले थे कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ तो सड़क पर कर्फ्यू लग गया, हालत ये हुई कि कर्फ्यू में ये हालत हो जाती है कि बिल्कुल सड़क पर या तो
पुलिस वाले पीएससी वाले दिखते हैं, और अक्सर आदमी में ये बात होती है कि अपनी बात भूल के बीच में दूसरी बात शुरू कर देता है। तो वो बता रहा था कि या तो पुलिस वाले दिखाई देते हैं या फिर सड़क पर गधे दिखाई देते हैं। कहला हाँ गधे पे याद आया, तेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? इतना तेज हो गया बच्चा के क्लास में एक टीचर ने पूछा कि बेटे ये बताइए कि जिसे कम सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं? अभी वो बच्चा बड़ा तेज था, उसने हाथ उठाया, उसे खड़ा किया कि नहीं पूछे कि बेटे बताइए जिसको कम सुनाई देता उसे क्या कहते हैं? तो एकदम खड़ा होकर बर्जस्ता बोला कि जी उसे तो कम सुनाई देते, चाहे कहते रहो। अच्छा उसे बिठा दिया धमका के। दूसरा बच्चा कि निसार नाम का बैठा हुआ था कि बेटे निसार तुम खड़े हो, ये बताओ कि तुम कैसे पैदा हुए थे? निसार को खड़ा किया, निसार खड़ा हुआ कि बेटे निसार बताओ। तो निसार से पूछा तो निसार ने जवाब दिया कि जवानी जाने मन। उससे पूछा कि कैसे पैदा हुए थे? तो बोला कि जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। नफरत की बात करनी चाहिए, न तकसीम की बात करनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत की बात करनी चाहिए। मैं भी ये अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के शायर अब्बास ताबिश ने कहा है कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। दिल जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके दियारे मोहब्बत में पहली मर्तबा मैंने हाजिरी का शरफ हासिल किया है, आपकी तवज्जो दरकार है, मतला हाजिर करता हूँ। अरे सुनाइए निजाम साहब, सब मोहब्बत करने वाले कि जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में कि वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने, वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने, ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है, बोना बहुत जरूरी के जो चाहते हो कि इज्जत करे मेरी दुनिया, जो चाहते हो कि लबों पे झूठी का होना बहुत जरूरी।